माता की कहानी लाई हूँ। दोस्तों एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई और उसकी बेटी रहती थी। वे दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब थी, लेकिन बुढ़िया माई धरती माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह धरती माता की पूजा पाठ करती थी। दोनों माँ बेटी घर का सारा काम खत्म होने के बाद धरती माता की कहानी सुनती, अर्घ देकर दोनों खाना खाती थी। धीरे धीरे बिटिया बड़ी होने लगी। माँ को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। माँ सोचने लगी कि मैं इतनी गरीब हूँ, मेरी बेटी में सारे संस्कारों वाले गुण हैं, संस्कारी वाली है, धार्मिक है, लेकिन गरीब होने के कारण इसका कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। कैसे इसकी शादी करूंगी? बिना दहेज के या बिना पैसों के मेरी बिटिया को कोई नहीं ब्याहेगा। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई एक जंगल में चली जाती है और वहां जाकर धरती माता को पुकारती है। हे धरती माता, मैंने आपकी पूजा आराधना की है, आप ही को मानती हूँ, आप ही पे मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन अब मेरी बिटिया बड़ी होने लगी है, कौन उससे शादी करेगा, कैसे वह अपना सुखी जीवन बिताएगी? या तो आप हमें हमारा दोनों का जीवन समाप्त कर दो या हमें कोई रास्ता दिखाओ। तब धरती माता उसकी भक्ति भावना से खुश होती है और धरती माता उस माँ बुढ़िया माई को दर्शन देती है और कहती है कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति भावना से बहुत खुश हुई हूँ, तू चिंता मत कर, तू धरती माता का मतलब मेरा उद्यापन कर, उद्यापन में धरती माता का नाम लेकर अपना कार्य सिद्ध कर, देखते ही देखते तेरा सारा काम सही सही हो जाएगा और बहुत अच्छे परिवार वाले तेरे बिटिया को देखने आएंगे, धूमधाम से तेरी बेटी की शादी होगी और वो अपने जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम घर जाकर धरती माता का उद्यापन करना, मन में धरती माता का नाम लेकर सारा काम काज करना, देखते देखते तेरा सारा काम काज सही और सफल हो जाएगा। तब धरती माता ये सब कहकर अंतर्धान हो जाती है। बुढ़िया माई घर जाती है और घर जाकर खुशी खुशी धरती माता के उद्यापन की तैयारी करने लग जाती है, सब कुछ काम करने लग जाती है और धरती माता के मन में विश्वास रखकर उद्यापन की तैयारी करने लग जाती है। देखते ही देखते उसका सारा काम का सही हो जाता है, सफल हो जाता है। जैसे ही बुढ़िया माई धरती माता का उद्यापन करती है, उसके दूसरे तीसरे दिन ही उसकी बिटिया को देखने वाले बहुत बड़े परिवार से रिश्ता आता है। वह उस बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं, उनके संस्कारों को और उसकी मतलब धार्मिक चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उस बेटी का धूमधाम से विवाह होता है। वह अपने घर में अपने ससुराल में सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लग जाती है। तो बोलो धरती माता की जय हो। तो दोस्तों धरती माता का कहानी अपने जीवन में जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद दोस्तों चारों तरफ पानी पानी होता है। हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक पग भूमि की आवश्यकता तो पड़ती है, इसलिए हमें अपने जीवन में धरती माता का उद्यापन कहानी सुनना चाहिए।